होता है कि लोग तरावी नहीं पढ़ते। अल्लाह के फजल व करम से कुबा के नमाजियों ने इस तासुर को गलत साबित किया है और कुबा की रौनक ये बता रही है कि अल्लाह के फजल व करम से ये वो नमाज नहीं है कि जिसमें कोताही बरती जाए, बल्कि ये तो मोहब्बतों के साथ और एहतमाम के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज है। तो इंशाअल्लाह रहमान हमने रमज़ान की आखिरी रात तक इस जोशो खरोश को कम नहीं होने देना, इंशाअल्लाह वादा करते हैं सारे इंशाअल्लाह। ये जो पिछली सफ़ों वाले होते हैं ना, इनके जरा वादे की जरूरत होती है। तो इंशाअल्लाह जो मेरी बहने हैं, अगर भाईजान ढीले होने लगे तो उनको कहना चले आगे लगे, आपको लेके जाना है। और अगर बहना ढीली हो तो भाईजान ने कहना है कि नहीं, हमने इंशाल्लाह पहुंचना है। तो ये अल्लाह के फजल व करम से ये हमारी रिवायत भी है पिछले दो तीन सालों से जो हम तरावी पढ़ रहे हैं कि आम मसाजिद में ये एक बात देखने में आती है कि वहाँ पहले दिन अगर 100 नमाजी है तो दूसरे दिन 70 और तीसरे दिन 50 और चौथे दिन 40 और पाँचवें दिन 30, वो पक्के नमाजी रह जाते हैं, वही वाले जो पूरे साल के चल रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान ऐसे नहीं करना अल्लाह के फजल व करम से। जगह की तंगी यकीनन एक मसला है, कल इंशाअल्लाह जुमे में इस पे बात करेंगे, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। दुनिया में जितने भी इदारे होते हैं, जब उनकी रौनकें दुबाला होती हैं, जगह कम पड़ जाती हैं और इंतजाम महदूद हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मामला चलते हैं, रुकते नहीं हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें तौफीक अता फरमाए। अजीज भाइयों, चंद एक बातें इस हवाले से अर्ज करेंगे कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कुरान करीम का बाकायदा तौर पर आगाज हो रहा है, सूरह फातिहा कुरान करीम को खोलने वाली सूरह यानी इसकी कुबत, कुरान करीम को का इफ्तिताह करने वाली सूरह सूरह अल फातिहा, और उसका भी आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, अल्लाह ताला की हमद, इस हवाले से चंद एक गुजारिशात पेश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारफत ही असल दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारफत ये कैसे हासिल होगी? आपने ये सुना होगा, आम तौर पर तौहीद को हम तीन बातों से जानते हैं। तौहीदे रुबूबियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानना, तौहीदे उलूहियत, अल्लाह को एक इलाह मानना, और तौहीदे अस्मा व सिफात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे प्यारे नामों को याद करना, उसका इल्म हासिल करना, उसका फहम हासिल करना। हम में से अक्सर ये हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी मोहब्बत में इजाफा कैसे करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक कैसे मजबूत हो। तो मेरे भाइयों, वो जराए के जिन जराए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मोहब्बत को बढ़ा सकते हैं, उसमें इजाफा कर सकते हैं, उनमें एक अहम तरीन बात तौहीदे अस्मा व सिफात उसका जानना है। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात को जानते हैं, पहचानते हैं और उनका फहम हासिल करते हैं, तो एक ऐसा बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक इस्तवार होता है कि कुर्बत बढ़ती चली जाती है और शुकूक व शुबहात दूर होते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो प्यारे प्यारे नाम हैं, उन नामों में से एक नाम अल हमीद भी है, बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये नाम ये इस बात का तकाजा करता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत ज्यादा हमद बयान करें, तारीफ और बड़ाई बयान करें। अल्लाहु अकबर, आप बड़े हैरान होंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ वो अजीम अमल है, ऐसा मतलूब अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तारीफ खुद फरमाई है। चूंकि वो ऐसी जात है जो इस कायनात में तमाम खूबियों और कमाल की हद तक
और हर किस्म की सिफात का मंबा और मरकज है, तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तारीफ खुद फरमाई। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ليس احد احب اليه المدح من الله من اجل ذلك مدح نفسه। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर किसी को अपनी तारीफ पसंद नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को पसंद फरमाता है कि उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और फिर क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तारीफ खुद फरमाई है। और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रात का वक्त था और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजरे मुबारक में मौजूद थी कि रात के अंधेरे में अचानक मेरी आंख खुली, तो मैंने आंख खुलने पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे अंधेरे में हाथ मारा, देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर मौजूद नहीं है। तो फिर मैंने नबी अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू किया, तो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों पांव गाड़े हुए सजदे की हालत में थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये इन अल्फाज के साथ दुआ कर रहे थे, اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك। اے اللہ میں تیری ناراضگی اور تیری پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں اور تیری عفو درگزر کی پناہ لیتا ہوں اور پھر کیا کہ مجھ میں تیری तारीफ बयान करने की, तेरी सना बयान करने की उस तरह ताकत नहीं है जिस तरह तेरी तारीफ बयान करने का हक है। अल्लाहु अकबर। आप देखें इमाम नबवी रहिमहुल्लाह ने इस पर बड़ी जबरदस्त एक बात कही है। वो कहते हैं कि दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करने में बंदों ही की भलाई है। यानी अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मखलूकात में से कोई भी मखलूक, सिर्फ इंसान नहीं, इंसानों में से चंद इंसानों की बात नहीं है बल्कि लाखों मखलूकात जो कि दिन रात अल्लाह ताला की हमद बयान करती हैं, उसकी सना और उसकी तस्बीह बयान करती हैं, तो वो फरमाते हैं कि अगर जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ ना करे फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी मखलूकात जमा हो जाए और इनको कोई और काम ना हो, इनकी जिंदगियां सिर्फ इस एक काम में बीत जाएं, इनके जिंदगी के सारे लैलो नहार एक एक लम्हा तमाम मखलूकात का इस हाल में गुजर जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ ही बयान करते रहे और कुछ भी ना करे, तो फरमाते हैं इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत, उसका जो कर्म और जो दो सखा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मुकाम और रुतबा है उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकते। और फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मखलूक में से कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होकर उस बंदे को अपनी रजा और भलाइयां अता फरमाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करने का इनाम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कायनात को तखलीक फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तखलीक का जब तज़किरा फरमाया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। आप जरा निकात को गौर से सुनते और समझते जाएं। ये रिफ्रेशमेंट वाले भाई ये तसल्ली से अपना काम करें लेकिन आपकी तवज्जो मेरे सामने रहे। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। तमाम तारीफें उस जात के लिए हैं कि जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। यानी जब जमीन और आसमान की पैदाइश और उनकी तखलीक का तज़किरा फरमाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हमद के साथ फरमाया। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब मुबीन कुरान करीम की पांच सूर